गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र हमारी चेतना का रूपांतरण कर देता है? यह हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति को ही बदल देता है। गायत्री मंत्र से आत्म परिष्कार होता है। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर में बीज मंत्र की सामर्थ्य सन्निहित है। जैसे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु के विस्फोट से ऊर्जा का महासागर उमड़ने लगता है, उसी प्रकार अंतश्चेतना में इन बीज मंत्रों का विस्फोट होने से असीमित ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगती है। यही ऊर्जा हमारी आंतरिक चेतना का परिष्कार और परिमार्जन करती है। गायत्री मंत्र का रहस्य भी यही है। इस मंत्र में चेतना के रूपांतरण की क्षमता विद्यमान है। गायत्री मंत्र से रूपांतरण होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज गायत्री के दृष्टा एवं ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री महाविद्या की साधना से वे राजर्षि से ब्रह्म ऋषि हुए। उन्होंने जब से इस विद्या की साधना प्रारंभ की, तब से आज तक कभी भी विराम नहीं लिया। उन्हें सिद्धियां मिलती गईं और वे नए अन्वेषण अनुसंधान करते गए। ना तो कभी वरदायिनी वेदमाता के वरदान कम हुए और ना कभी विश्वामित्र की तप साधना का प्रवाह मंद पड़ा। सभी की अनुभूति यही कहती थी कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की देह के रोम रोम में, उनके प्राणों के कण कण में, उनकी चेतना के प्रत्येक चैतन्य स्पंदन में गायत्री का सत्य एवं तत्व ही प्रकाशित होता है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य जाबाली से कहा, मेरी गायत्री साधना के तीव्र उपक्रम हमेशा ही किसी न किसी प्रयोजन वश हुए हैं। भले ही प्रयोजन लोक हित के क्यों न हो, सदा ही मैंने आदि शक्ति जगन माता से जो कुछ भी मांगा, सदा सर्वदा उन करुणामयी ने मुझे अपेक्षा से अधिक व आश्चर्यजनक दिया है। प्रत्येक बार यही हुआ है और आगे कब तक ऐसा होता रहेगा कुछ पता नहीं, परंतु माता गायत्री कभी किसी को निराश नहीं करती, बशर्ते कि उन्हें पुकारने में उसका हृदय भीगा हुआ हो। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आदिशक्ति माता गायत्री के बारे में कह रहे थे, उनके शब्द भावों से भीगे थे, जो सुनने वालों के कानों और मनों में देवी भावनाओं की अनूठी रसमयता घोल रहे थे। माता गायत्री की साधना से जीवन का रूपांतरण होता है। रूपांतरित हो जाए जीवन तो उसकी आकृति नहीं बल्कि प्रकृति बदलती है। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही बना रहता है, पर अंतःकरण बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया गायत्री मंत्र के जप से संपन्न होती है। गायत्री मंत्र के दो पक्ष हैं, दार्शनिक एवं क्रियात्मक। मैंने दोनों पक्षों पर काम किया है। उनके शिष्य जबाली ने उनसे गायत्री मंत्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनुरोध किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ध्यान बीज है। सन्यासी भी इसका जप करते हैं और ये मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तत् अर्थात वह ना तो स्त्री है और ना पुरुष, वो रूप और आकार से परे है। सवितुः सृष्टि का कारण है और इसकी कोख से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। केवल प्रातः काल के स्वर्णिम सूर्य को ही सविता कहते हैं। अतः गायत्री मंत्र के जप के समय में इसी अरुणिम सूर्य का ध्यान करना चाहिए। वरेण्यम अर्थात वरण करना। वरण बिना समर्पण के संभव नहीं, इसलिए अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद ही वरण किया जा सकता है। भर्ग उस परम देव के तेज को कहते हैं। इस तेज को धारण करने के लिए भी तप की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है, परंतु ये देह सविता के तेज को धारण करने योग्य नहीं होती है। इस शरीर में यदि तेज आए तो ये मिट्टी के समान बिखर जाएगी। अतः भर्ग यानी तेज को धारण करने के लिए कठिन तपस्या से शरीर को तपाना पड़ता है।
उग्र तपस्या से स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान सूक्ष्म शरीर क्रियाशील हो जाता है और इसकी समुचित क्रियाशीलता से ही भर्ग को धारण किया जा सकता है। धीमहि में धी तत्व बुद्धि को कहते हैं। गायत्री मंत्र के जप से बुद्धि परिमार्जित होकर मेधा प्रज्ञा विवेक ख्याति एवं परम ज्ञान में रूपांतरित हो जाती है। धी बुद्धि तत्व का रूपांतरण होने पर मनुष्य स्वतः सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, सदाचरण करने लगता है। गायत्री मंत्र का अंतिम चरण धियो यो नः प्रचोदयात् समर्पण विसर्जन विलय की प्रक्रिया है। विश्वामित्र ने इसे और सहज ढंग से समझाया। पानी के पात्र में किसी चीज को डालना समर्पण है, डाली हुई चीज का घुलना विसर्जन है। विसर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें चीज घुल रही होती है पर पूरी तरह से घुली मिली हुई नहीं होती है, परंतु जब ये संपूर्ण रूप से पानी में घुल मिल जाती है तो उसे विलय कहते हैं। अर्थात गायत्री मंत्र का जप करते समय साधक को प्रातः काल के अरुण सूर्य की ध्यान करते हुए उसमें घुलने मिलने का भाव रखना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सविता का तेज अपने शरीर के रोम रोम में कण कण में प्रवेश कर रहा है और शरीर उसके तेज से उसी समान होता जा रहा है और अंततः ये दोनों के बीच तदाकार एकाकार हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप के समय उपयुक्त प्रगाढ़ ध्यान की आवश्यकता है। उस समय भाव के साथ मंत्र को जपना चाहिए, ना कि संख्या पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। भावपूर्ण हृदय से गायत्री मंत्र की एक माला भी 10 गुना प्रभाव उत्पन्न करती है। बस सर्वसाधारण के लिए गायत्री मंत्र के जप का यही विधान है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कह रहे थे, जिसके अंतःकरण का कायाकल्प हो जाता है उसके सोचने देखने करने और जीवन की समस्त अनुभवों अनुभूतियों का रंग ढंग बदल जाता है और ये गायत्री साधना से ही संभव है। गायत्री साधना से सब कुछ संभव है, शर्त ये है कि आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें, बस यही पर्याप्त है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर